Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you once again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's the venture company of one of the reputed PMC Reinforced Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of bar bending schedule of slab from the live project of G+2 story project. In this session, I will explain you how to study and analyze the drawing of extra bar of slab and how to find out the cutting length of extra bar and how to calculate the quantity of steel of extra bar. Okay, so you can see here, this is the drawing of G+2 story project. ये drawing जो आप देख रहे हैं वो आपको slab का drawing दिया हुआ है, इसमें आपको reinforcement का detail दिया हुआ है. ये आप देख सकते हैं, ये आपको जो सेक्शन दिया हुआ है ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका क्या है, लॉन्गर स्पान है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग किया हुआ है. और जो आप ये देख रहे हैं ग्रेड ए से ग्रेड वन से लेके ग्रेड थ्री तक का जो स्पान है वो आपका क्या है, शॉर्टर स्पान है. तो इसमें आपका मेन बार आएगा, मीन्स जो आपका वर्टिकल पोर्शन है उसमें आपको मेन बार को पहले लेइंग कराया जाएगा. इसके बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ग्रेड ए से लेके एफ तक उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा. उसके बाद फिर आपके जो इसमें टॉप मैस आएगा उसमें आपके एक्स्ट्रा बार आएंगे. आप ये देख सकते हैं आपको इस तरह से ये एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ईच एंड एवरी ग्रेड पर आपको एक्स्ट्रा बार दिए जाएंगे. तो आप ये देख सकते हैं आपको ईच एंड एवरी ग्रेड पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं. आपका ग्रेड ए है उस पर आपके एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं. ग्रेड बी पर भी आपके एक्स्ट्रा बार हैं, ग्रेड सी पर भी एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ग्रेड वन पर भी आपको ये वर्टिकली एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ग्रेड टू पर भी आपको वर्टिकली एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ग्रेड थ्री पर भी आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं. इस स्लैब के जो आपके मेन बार हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं आप ये देख सकते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टली ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है और ये वर्टिकली आपको मेन बार दिया हुआ है. तो इस स्लैब के मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले हमारे YouTube चैनल Reinforced Quantity Surveyor and Training Institute पर जाके देख सकते हैं. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Reinforced Quantity Surveyor and Training Institute. तो आपको इसी तरह से लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा. चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ निकालते हैं और किस तरह से एक्स्ट्रा बार के नंबर ऑफ बार निकाले जाते हैं. तो आप देख सकते हैं ये आपको एक्स्ट्रा बार का ड्राइंग दिया हुआ है. इसमें देखेंगे जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं वो आपको ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं. ग्रेड ए पर जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं इस तरह से देखेंगे आप, ये आपको ग्रेड ए पे ये एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं. जिनका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको 10 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर, जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं वो आपको 10 mm का है और जो इसकी स्पेसिंग है 150 सेंटर टू सेंटर. तो इस तरह से आपको ये ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टली. आप ये देख सकते हैं ये आपको पूरा ग्रेड ए पर ये इस तरह से एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं. जो ये आपको ड्राइंग का प्लान दिखाया गया, जब आप इस ड्राइंग का सेक्शन देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा बार किस तरह से दिए हुए हैं. आप देखेंगे ग्रेड ए पर जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं वो किस तरह से आपको सेक्शन में दिखाई देंगे. ये देखेंगे आपको ये ग्रेड ए दिया हुआ है. जब आप इस ड्राइंग का सेक्शन देखेंगे, सेक्शन एक्स एक्स, तो आपको ये ग्रेड ए दिखाई देगा. ये देख सकते हैं आपको ये ग्रेड ए दिया हुआ है. मैं आपको जूम करता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा. ये देखेंगे आपको ये ग्रेड ए दिया हुआ है. ग्रेड ए में ये देखेंगे आपको ग्रेड ए है, ये आपका ग्रेड ए पे ये आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है टॉप में. ये देखेंगे आपको ये टॉप में जो एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है वो आपका ग्रेड ए का एक्स्ट्रा बार है, जो आप लाइन के फॉर्म में देख सकते हो. ये देखेंगे आपको लाइन के फॉर्म में ये आपको ग्रेड ए का एक्स्ट्रा बार दिखाई दे रहा है. इसका आपको स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है, 10 mm डायर 150 सेंटर टू सेंटर. तो हम लोग इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे. तो इसके लिए मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ निकालते हैं. ये देखेंगे इसमें हम लोग पहले ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकाला था, नंबर ऑफ बार्स निकाले तो मैं ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ. आप ये देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये मेन बार है, इसको मैंने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. आज हम लोग एक्स्ट्रा बार को डिस्कस करेंगे. ये देखेंगे आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड ए एंड वी आर लेइंग ग्रेड वन टू
थ्री, तो हम लोग एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड ए पर निकालते हैं। तो देखेंगे इसका कटिंग लेंथ किस तरह से निकाला जाता है, आप ड्राइंग में देखेंगे ग्रेड ए पर किस तरह से दिया हुआ है। ये आपको ग्रेड ए दिया हुआ है और ये आपका एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है इस तरह से। तो जब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, इसका लेंथ आपको दे रखा है, ये देखेंगे आपको ये 980 mm दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बार के आउटर से लेके और ये बीम के आउटर तक आपको ये 980 mm आपको लेंथ दिया हुआ है। इसके बाद आपका इसका डेवलपमेंट लेंथ निकालना है, जो लेंथ आपका स्लैब से बीम में एनकरेज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ LD। तो ये डेवलपमेंट लेंथ निकालना है LD, इसको हम लोग एनकरेज लेंथ भी बोल सकते हैं। ये आपको ड्राइंग में दे रखा है ऊपर, जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको ड्राइंग में दे रखा है कि डेवलपमेंट लेंथ कितना कंसिडर करना है। ये देखेंगे आपको टिपिकल डिटेल ऑफ एनकरेज ऑफ स्लैब रीइन्फोर्समेंट इन अ बीम। तो ये देखेंगे आपका स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा बार है वो इस तरह से आके बीम में एनकरेज हो रहा है। इसका जो डेवलपमेंट लेंथ दे रखा है आपको 500 mm मिनिमम दिया हुआ है, आपको 500 mm मिनिमम डेवलपमेंट लेना है एक्स्ट्रा बार के लिए। तो वो उसको हम कंसिडर करेंगे और इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है, ये आपको हॉरिजेंटल पोर्शन दिया हुआ है यहाँ से लेके, और ये आपका हॉरिजेंटल पोर्शन हो जाएगा और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका वर्टिकल पोर्शन हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल पोर्शन निकालने के लिए आपको ये दे रखा है 980 प्लस ये आपका बीम है 300 mm का, जो आप बीम देख रहे हैं इसका जो ब्रीथ है वो आपको 300 mm का दिया हुआ है। तो 980 लेंथ आपको ये दिया हुआ है प्लस हम लोग इसमें क्या करेंगे 300 mm को ऐड कर देंगे, प्लस 300 mm माइनस बीम का कवर, बीम का कवर आपको 30 mm का दिया हुआ है। तो 980 प्लस 300 mm माइनस 30 mm कवर, तो आपका ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं वही मैंने एक्सेल शीट में पुट किया हुआ है, ये देखेंगे मैंने ये हॉरिजेंटल पोर्शन निकाला हुआ है 1250 आया हुआ है, ये आपका 980 आया है प्लस 300 mm बीम को ऐड किया है माइनस कवर माइनस किया है। तो इस तरह से ये आपका ये हॉरिजेंटल पोर्शन निकल आएगा। उसके बाद हम लोग वर्टिकल पोर्शन निकालेंगे, तो वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आप देखेंगे ये 230 वर्टिकल पोर्शन आया है। 230 वर्टिकल पोर्शन आपका किस तरह से आएगा आप देख सकते हैं ड्राइंग में, ये आपको वर्टिकल पोर्शन निकालना है इस बॉटम से लेके ये टॉप तक आपको वर्टिकल पोर्शन निकालना है। जो आपको डेवलपमेंट लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 500 mm, आपको मिनिमम 500 mm डेवलपमेंट लेंथ रखना है। तो आपको यहाँ से लेके ये पूरा एनकरेजमेंट 500 mm दिया हुआ है। यदि हम 500 mm में से ये हॉरिजेंटल पोर्शन माइनस कर दें, हॉरिजेंटल पोर्शन आपका क्या है ये 300 mm माइनस और ये 30 कवर, ये 300 mm का बीम और माइनस ये 30 कवर माइनस कर देंगे तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। टोटल आपको 500 mm दिया हुआ है, 500 mm माइनस 300 mm और माइनस कवर 30 mm, तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा 230। तो आप देख सकते हैं वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, ये देखेंगे आपको किस तरह से ये आएगा, ये देख सकते हैं 230 आया हुआ है, 500 mm माइनस हॉरिजेंटल पोर्शन 300 mm माइनस 30, तो आपका इस तरह से ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा 230। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको स्पेसिंग दिया हुआ है 150 mm, आपका डाया 10 mm का है। इसके बाद हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है ऐड कर देना है, ये आपको 1250 प्लस 230 और माइनस बैंड लॉस। तो आप देखेंगे मैंने ऐड किया हुआ है 230 वर्टिकल पोर्शन, 1250 हॉरिजेंटल पोर्शन माइनस बैंड लॉस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इसमें देखेंगे आपको एक ही 90 डिग्री का बैंड है, तो 90 डिग्री में आपका 2D का लॉस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2D को माइनस किया हुआ है। इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल जो कटिंग लेंथ है आपका 1.46 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका एक बार का कटिंग लेंथ निकला है 1.46 मीटर। इसके बाद इसके नंबर ऑफ बार निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है आपको पता है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस वैन प्लस वन। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस वन, आप देख सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे आप देख सकते हैं, ये 44 नंबर ऑफ बार आए हैं। तो उसको किस तरह से निकालना है आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड ए लेइंग 1 2 3, जो एक्स्ट्रा बार है ग्रेड ए पर वो उसको हम ग्रेड वन से लेके ग्रेड थ्री तक उसको लेइंग करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग में, जब आप इसका ड्राइंग देखेंगे एक्स्ट्रा बार वाला इसका प्लान, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये आपको प्लान दिया हुआ है, ये इसमें जो आपका ये देखेंगे आपको ये ग्रेड ए दिया हुआ है, ये ग्रेड ए है,
इस पे जो एक्स्ट्रा बार शुरू होते हैं ये यहाँ से, ये आपको ये एक्स्ट्रा बार आपको दिए हुए हैं ये वाले, तो ग्रेड 1 से लेके 3 तक आपको ये एक्स्ट्रा बार निकालने हैं। तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड, जो ये वाला स्पान है उसको ऐड करिए और ये वाला स्पान है इसको ऐड करिए, क्लियर। ग्रेड ए पर हम लोग एक्स्ट्रा बार निकाल रहे हैं, तो इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ग्रेड 1 टू ग्रेड 3। तो इसका लेंथ आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देखेंगे आपको दे रखा है 3250 और 3525। 3250 आपको बीम के सेंटर से दिया हुआ है और ये बीम के सेंटर तक दिया हुआ है, ऐसे ही आपको 3525 आपको बीम के सेंटर तक दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है जो हम लोग स्लैब में रिइंफोर्समेंट को लेइंग कराते हैं वो बीम के इनर टू इनर में ही लेइंग किया जाता है, स्लैब का रिइंफोर्समेंट बीम के इनर टू इनर में ही लेइंग कराया जाता है, क्योंकि बीम में ऑलरेडी बीम का रिइंफोर्समेंट होता है। तो ये लेंथ आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से बीम माइनस कर देंगे, तो 3250 माइनस हाफ ऑफ बीम 150 फ्रॉम द टॉप, देन वी माइनस 300 mm दिस फुल बीम इन अ मिडिल पोर्शन, देन वी माइनस हाफ ऑफ बीम 150 फ्रॉम द बॉटम पोर्शन। तो आप देख सकते हैं यही से मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, ये देखेंगे ये 44 बार आ रहे हैं, तो 3250 प्लस सेकेंड स्पान 3525 माइनस 150 फ्रॉम द टॉप और माइनस 300 दैट इज द मिड स्पान बीम, देन वी माइनस 150 फ्रॉम द बॉटम, देन वी डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, आपको स्पेसिंग दिया हुआ है 150 mm और प्लस 2 करेंगे। नॉर्मली आपका प्लस 1 किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दो स्पान दिए हुए हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं। ये देखेंगे ये आपका पहला स्पान है और ये आपका सेकेंड स्पान है, दोनों स्पान को हम एक साथ निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस 2 कर रहे हैं, अदरवाइज आप प्लस 1 करिए। तो फॉर्मूले को पुट करने के बाद जो आपके नंबर ऑफ बार आएंगे वो कितने आएंगे, 44 आएंगे, क्लियर। तो देख सकते हैं कटिंग लेंथ आपके एक बार का कटिंग लेंथ आया है 1.46, टोटल बार हम लोग यूज कर रहे हैं 44, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बार आएंगे, तो वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, देख सकते हैं 1.46 दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ वन एक्स्ट्रा बार और नंबर ऑफ बार इज 44, देन वी मल्टीप्लाई बाई 2, वाई वी मल्टीप्लाई हेयर 2, सो यू कैन सी हेयर इन अ ड्रॉइंग, हम लोग यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं, आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये देखेंगे आपको ये एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है ए जंक्शन पे, ये जो आपको एक्स्ट्रा बार ए जंक्शन पे दिए हुए हैं वो, और जो आपको एक्स्ट्रा बार एफ जंक्शन पे दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे आपको राइट सॉरी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में एट ग्रिड एफ, तो ग्रेड एफ पे जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं और जो ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं दोनों सेम होंगे, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है सिमेट्रिकल है, तो ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार जो दिए हुए हैं और जो ग्रेड एफ पर जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं दोनों सेम होंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एफ के ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो वही देख सकते हैं आप मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपके टोटल जो कटिंग लेंथ आएगा वो आपका आ जाएगा 128.48 मीटर। तो इस तरह से आप ग्रेड ए पर एक्स्ट्रा बार निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड बी एंड वी आर लेइंग ग्रेड 1 2 3, तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड बी, तो जो आप ग्रेड बी ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपको ग्रेड बी दिया हुआ है, ये देखेंगे ये आपको ग्रेड बी दिया हुआ है और जो इसमें एक्स्ट्रा बार है वो ये रहे ग्रेड 1 2 3, इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ये देखेंगे आप बिल्कुल ये आपका प्लेन बार है, इसमें कोई भी बेंड नहीं है, आप देख सकते हैं टोटली प्लेन बार है एक्स्ट्रा बार बी पर, जब आप इसको ये इसका प्लान है जब आप सेक्शन में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखेंगे आपको ये एक्स्ट्रा बार बी पे दिया हुआ है, ये आपका ग्रेड बी है और इसके टॉप में आपको ये एक्स्ट्रा बार ये दिया हुआ है, ये देखेंगे ये आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, बिल्कुल प्लेन बार है यहाँ से लेके और ये आपको यहाँ तक बिल्कुल प्लेन बार दिया हुआ है। तो इसका कटिंग लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, डायरेक्टली आपको लेंथ दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं 980 प्लस बीम 300 mm प्लस 1070, आप ऐड करेंगे तो इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा, तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 2350 आया हुआ है, 980 प्लस 300 mm प्लस 1070, इसमें कोई बैंड लॉस नहीं हुआ क्योंकि आपका ये प्लेन बार है, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ निकल आएगा 2350, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2.3 मीटर इसका लेंथ आएगा।
अब इसके नंबर ऑफ बार निकालने, तो नंबर ऑफ बार आपके सेम आएंगे 44 नंबर, क्योंकि आपका जो अपोजिट लेंथ है वो सेम है। आप देख सकते हैं आपका जो पहला एक्स्ट्रा बार था ग्रेड ए में, उसका जो अपोजिट लेंथ था ग्रेड 1 2 3 था, और इसका भी जो अपोजिट लेंथ है ग्रेड 1 2 3 है, तो इसमें भी आपके 44 नंबर ऑफ बार आएंगे। आप ड्राइंग में देख सकते हैं, तो आप इसका एक्स्ट्रा बार का प्लान देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दोनों का जो अपोजिट लेंथ है वो आपका सेम है। ये देखेंगे, ये आपका ग्रेड ए पर जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए थे, ये आपके ग्रेड ए पर जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए थे उसका भी अपोजिट लेंथ सेम है, और ये आपको ग्रेड बी पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं इसका भी अपोजिट लेंथ सेम है, तो आपके नंबर ऑफ बार सेम आएंगे। तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है 44 नंबर। तो ये आपके एक बार का कटिंग लेंथ आया 2.35 मीटर, तो टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं 2.35 मीटर, दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ वन बार, देन वी मल्टीप्लाई बाई 44 नंबर ऑफ बार, देन वी मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, सेम पोर्शन आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आप, ये आपको ग्रेड बी दिया हुआ है, जैसा आपका ग्रेड बी है वैसा ही सेम आपका क्या है ग्रेड ई है, ग्रेड ई पे जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं और ग्रेड बी पर जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं दोनों आपके सेम है, तो आप ग्रेड बी को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्रेड ई के ऑटोमेटिकली निकल आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2.35 कटिंग लेंथ ऑफ वन एक्स्ट्रा बार, 44 इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार इन ग्रेड 1 2 3, और दिस इज द मल्टीप्लाई बाई 2, सो टोटल कटिंग लेंथ जो आपका आएगा 206.8 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपको एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड सी एंड वी आर लेइंग ग्रेड 2 2 3, तो जो आपका एक्स्ट्रा बार ग्रेड सी पर और ग्रेड 2 से लेके 3 तक उसको लेइंग किया गया है, तो आप देखेंगे ड्राइंग में एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड सी, तो ये आपको ग्रेड सी दिया हुआ है और ग्रेड सी पे जो आपका एक्स्ट्रा बार है ग्रेड 2 से लेके 3 तक, ये देखेंगे ये आपका ग्रेड 2 दिया हुआ है, ये ग्रेड आपको 3 दिया हुआ है, इस पे जो आपका एक्स्ट्रा बार है ग्रेड सी पर, तो ये आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, बिल्कुल आपका प्लेन बार है, आप देखेंगे ड्राइंग में तो इस तरह से बिल्कुल प्लेन बार आपको दिया हुआ है, ये आपका प्लान है, सेक्शन में देखेंगे तो भी आपको प्लेन ही दिखाई देगा। ये देखेंगे आपको ग्रेड सी दिया हुआ है, ये ग्रेड सी पे आपको टॉप में एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, ये इसका लेंथ दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप इसकी लेंथ निकालने के लिए ऐड कर सकते हैं 1120 प्लस 300 mm प्लस 890 mm, तो इस एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 2260 आया हुआ है आपका, 1070 प्लस 300 mm प्लस 890, तो इसका कटिंग लेंथ ये निकल आएगा। जब कटिंग लेंथ आपका एक बार का कटिंग लेंथ आया 2.26 मीटर, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो आपको जो अपोजिट लेंथ है वो देखेंगे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि इस एक्स्ट्रा बार को हम लोग लेइंग करा रहे हैं ग्रिड 2 से 3 में, तो जो इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा ग्रिड 2 2 3, तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको सेक्शन है, प्लान देखेंगे आप, ये आपको प्लान दिया हुआ है, ये आपको प्लान दिया हुआ है, तो आपका जो ग्रिड 2 2 3 है ये वाला ग्रिड, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा बार को लेइंग करा रहे हैं, तो यही आपका अपोजिट लेंथ हो जाएगा। इसका स्पेसिंग आपको दिया हुआ है, ये देखेंगे 3525 इसका लेंथ दिया हुआ है, ग्रिड 2 से लेके ग्रिड 3 तक आपको जो लेंथ दिया हुआ है 3525 मिलीमीटर दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है वो आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। हम लोग जो लेंथ कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ बार निकालने के लिए इनर टू इनर ऑफ बीम कंसीडर करते हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे 3525 माइनस हाफ ऑफ बीम 150 माइनस कर देंगे टॉप से, माइनस हाफ ऑफ बीम 150 बॉटम से माइनस कर देंगे, और आपका स्पेसिंग दिया हुआ है 150 उससे डिवाइड कर देंगे प्लस 1 करेंगे, तो आपके ये नंबर ऑफ बार निकल आएंगे ग्रिड सी में जो आपको प्लेन बार दिए हुए हैं, वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये देखेंगे 23 नंबर आपका जो लेंथ दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर 3525 दिया हुआ है, 150 हमने टॉप से माइनस कर दिया है और 150 हमने बॉटम से माइनस कर दिया है, आप स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे 150, यहाँ पे आपको केवल प्लस 1 करना है क्योंकि ये आपका एक ही स्पान है, दो स्पान नहीं है, आप देखेंगे केवल आपका ये सिंगल स्पान है इसलिए आपको प्लस 1 करना है, क्लियर, तो आपके 23 नंबर ऑफ बार निकल आएंगे, ये देखें आपको 23 नंबर ऑफ बार निकल आएंगे।
एक बार का कटिंग लेंथ आपका है 2.26 बार मीटर, तो टोटल आपके कितने बार हैं, 23 नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.26 कटिंग लेंथ है आपका एक बार का, टोटल नंबर ऑफ बार आपके कितने आए हैं 23, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या है, सिमिट्रिकल है। आप ड्राइंग में देखेंगे इस तरह से सिमिट्रिकल है, ये देखेंगे अभी हमने इस ग्रेड सी पे एक्स्ट्रा बार निकाले हुए हैं, ये ग्रेड सी पे ये एक्स्ट्रा बार निकाले हुए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बार आपको ग्रेड डी पर दिए हुए हैं, आप देखेंगे ग्रेड डी पे जो ये वाले एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं वो भी तो सेम ही है, तो आपको ग्रेड सी पे निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ग्रेड डी पर भी निकल आएंगे। क्लियर, तो वही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपका ये टोटल लेंथ निकल आएगा 103.96 मीटर। इस तरह से आप देखेंगे आपका जो एक्स्ट्रा बार है एट ग्रेड सी एंड वी आर प्रोवाइडिंग 1, 2, 3 ग्रेड, ग्रेड सी पे आपको फिर से एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, आप देखेंगे ड्राइंग में ये आपका ग्रेड सी है, तो ग्रेड सी पे अब जो हम लोग एक्स्ट्रा बार निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 तक। इसके पहले जो हमने ग्रेड सी पर एक्स्ट्रा बार निकाले थे वो निकाले थे ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 3 पर, तो ये आपका जो ग्रेड सी पर जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 3 तक वो आपका प्लेन बार था, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा बार ग्रेड सी पर दिया हुआ है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 तक वो आपका क्या है, एनकरेज है। यहाँ से देखेंगे आपको ये अंदर बीम में एनकरेज किया हुआ है, ये आपका बीम में अंदर एनकरेज होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस दिया हुआ है, तो ये वाला बार आपका बीम में अंदर एनकरेज करेगा। इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है 500 mm हम उसका यूज करेंगे, तो इसका कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा आप ये देख सकते हैं, आपको ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये देखेंगे आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये ग्रेड सी पे दिया हुआ है 1070, तो यहाँ से लेके आपको ये वाला लेंथ दिया हुआ है 1070, इसमें आप प्लस 300 mm ऐड कर देंगे बीम का, माइनस 30 mm कवर कर देंगे तो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा, और वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, तो वही मैंने एक्सेल शीट में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका जो लेंथ दिया हुआ है 1070 प्लस आपका बीम 300 mm और माइनस कवर 30 mm, तो आपका ये क्या निकला है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकला है। वर्टिकल पोर्शन निकालना है तो क्या करना है, आपको टोटल डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 500 mm। क्लियर, आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है दूसरी ड्राइंग में, ये आपको डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक आपको 500 mm दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि हमने अभी हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकाला है, ये टोटल बीम आपको 300 mm का दिया हुआ है, उसमें से हमने ये कवर माइनस कर दिया है, तो आपका टोटल लेंथ दिया हुआ है 500 mm, 500 mm माइनस बीम 300 mm माइनस कवर 30 mm, तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा 230 mm, वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये देखें 230 mm आया हुआ है, 500 mm आपको टोटल डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, इसमें से हमने एक बीम को माइनस किया है 300 mm और आपका कवर माइनस किया हुआ है, तो आपका वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका कटिंग लेंथ निकल आएगा 1340 प्लस 230 माइनस बैंड लॉस, आप देखेंगे इसमें 2D का लॉस होगा, 90 डिग्री का बैंड है तो 2 times ऑफ डायमीटर का लॉस करेंगे तो आपका जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा 1.55 मीटर निकल के आएगा, ये आपका एक बार का कटिंग लेंथ निकल के आया है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग और प्लस 1, तो इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा बार एट ग्रेड सी और वी आर लेइंग ग्रेड 1, 2, 3, तो जो आपको ये 1, 2, 3 दिया हुआ है वो आपको क्या है, इसका अपोजिट लेंथ है, तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका अपोजिट लेंथ, ये देखेंगे आपको 1, 2, 3 ग्रेड 1, 2 इस तरह से 2, ये आपका इसका अपोजिट लेंथ दिया हुआ है, ये इसमें हम लोग लेइंग करा रहे हैं तो ये इसका ये अपोजिट लेंथ दिया हुआ है ग्रेड 1, 2, 2, तो इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा आपका 3250, 3250 आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, हम लोग जो रिइंफोर्समेंट डालते हैं स्लैब में वो बीम के इनर टू इनर में ही डालते हैं, तो 150 mm हम लोग टॉप से माइनस कर देंगे, 150 mm बॉटम से माइनस कर देंगे और 150 आपको स्पेसिंग दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो आपके ये नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। क्लियर, ये आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे, तो
वही हमने किया हुआ एक्सेल शीट में, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 21 नंबर ऑफ बार आ रहे हैं। तो आपको टोटल जो आपको लेंथ दिया हुआ है वो देखेंगे 3250 दिया हुआ है, इसमें से हमने एक टॉप हाफ ऑफ बीम माइनस किया है, बॉटम हाफ ऑफ बीम माइनस किया है, 150 से आपको डिवाइड किया हुआ है और प्लस वन करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे 21। क्लियर? आपको कटिंग लेंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ बार दिए हुए हैं, तो हम लोग टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। टोटल कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, 1.55, दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ वन एक्स्ट्रा बार। अब वी आर यूजिंग हियर 20 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार, देन वी मल्टीप्लाई बाई टू। ओके, यहाँ पे हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपका जो बिल्डिंग है वो सिमेट्रिकल है, जो आपके एक्स्ट्रा बार हैं वो आपके सिमेट्रिकल हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ड्राइंग में, ये ग्रिड सी पे जो हम लोग एक्स्ट्रा बार यूज कर रहे हैं, ये ग्रिड सी पे जो एक्स्ट्रा बार यूज कर रहे हैं वही आपके ग्रिड डी में एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं। तो दोनों सेम ही है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, टू से मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं 21 × 2। तो जो आपका कटिंग लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 65.1 मीटर, ये आपका टोटल कटिंग लेंथ आया है। इसके बाद आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार एट प्रोजेक्शन ए टू बी और वी आर लेइंग 1:1 ग्रिड। ये जो आपका कैंटिलीवर प्रोजेक्शन दिया हुआ है उसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा बार डालेंगे, तो उसका कटिंग लेंथ किस तरह से आएगा आप देखेंगे, कुछ इस तरह से आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है प्रोजेक्शन वाले पार्ट में। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखेंगे ग्रेड ए टू बी में इस तरह से आपका जो कैंटिलीवर पार्ट है, जो आपका प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, इसमें भी आपके एक्स्ट्रा बार डले हुए हैं। ये आप इसको ग्रेड 1 मान लीजिए, तो 1:1 में आपके ये नंबर ऑफ बार आएंगे। क्लियर? तो इसका कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपको ऊपर दिया हुआ है ग्रेड ए से लेके बी तक का जो लेंथ दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, वो कितना दिया हुआ है 3250। 3250 आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये आपको बीम दिया हुआ है 300 mm का, तो हम लोग इसमें से 150 ऐड कर देंगे दिस वन साइड और 150 ऐड करेंगे आपके ग्रेड बी की साइड में। तो 3250 प्लस 150 mm और प्लस 150 mm करेंगे तो आपका आउटर टू आउटर लेंथ निकल आएगा। उसके बाद हम लोग 30 mm का कवर माइनस कर देंगे ग्रेड ए की साइड से और 30 mm का कवर माइनस कर देंगे ग्रेड बी की साइड से, तो आपका ये यहाँ पे इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा हॉरिजेंटल पोर्शन। तो वही मैंने किया हुआ है एक्सेल शीट में, आप देख सकते हैं 3490 किस तरह से आया है। ये आपको 3250 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हाफ ऑफ बीम, टोटल बीम आपको 300 mm का दिया हुआ है, तो हाफ कितना हो जाएगा 150 का, तो हमने 150 ऐड कर दिया है, तो हम इससे बीम के आउटर में चले जाएंगे। उसके बाद हम 30 mm कवर माइनस कर देंगे, इसी सेम तरीके से 150 हम लोग ऐड करेंगे आपका बी ग्रेड की साइड में और 30 mm कवर माइनस करेंगे तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो निकल आएगा। क्लियर? तो वो आपका आया है 3490। उसके बाद हम लोग वर्टिकल पोर्शन निकालेंगे। वर्टिकल पोर्शन किस तरह से निकाला जाता है, आपको पता है कि डेवलपमेंट लेंथ आपको देके रखा है यहाँ पे 500 mm डेवलपमेंट लेंथ देके रखा है ड्रॉइंग में। क्लियर? तो टोटल आपको 500 mm दिया हुआ है, उसमें से आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन 300 mm माइनस 30 कवर माइनस करेंगे तो आपका ये 230 mm निकल आएगा। आप ड्रॉइंग में देख सकते हैं, जब आप इसका डेवलपमेंट लेंथ देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 500 mm, ये इस तरह से ये आपको 500 mm टोटल दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं आपको देखेंगे इस तरह से टोटल डेवलपमेंट लेंथ आपको 500 mm दिया हुआ है इस ग्रिड थ्री में। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको यहाँ से लेके और ये यहाँ तक टोटल 500 mm दिया हुआ है। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका जो हॉरिजेंटल पोर्शन है उसको माइनस कर रहे हैं, तो 500 mm माइनस 300 mm और माइनस ये कवर, तो आपको ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, आप देखेंगे एक्सेल में 500 mm माइनस 300 mm और माइनस आपका ये देखेंगे आपको ये 500 mm माइनस 300 mm माइनस 30 कवर, तो आपका ये 230 निकल आएगा वर्टिकल पोर्शन। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा, ये देखेंगे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 230 mm वर्टिकल पोर्शन प्लस 3490 आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन और प्लस 230 आपको ये वर्टिकल पोर्शन इसको ऐड किया हुआ है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको जो लेंथ आएगा वो आएगा 3.95 मीटर। ये आपको कटिंग लेंथ निकल के आया एक बार का। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ बार आपको कितने दिए हुए हैं 9। 9 नंबर ऑफ बार किस तरह से आएंगे आप देख रहे हैं, इसको हम 1 से लेके 1 में लेइंग करा रहे हैं, तो इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा ग्रेड 1:1। आप ड्राइंग में देख सकते हैं इसका अपोजिट लेंथ ये आपको दिया हुआ है ये।
ये इसका अपोजिट लेंथ है, प्रोजेक्शन वाला पार्ट है कैंटीलीवर, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा बार लेइंग करा रहे हैं टॉप में, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। ये आपको जो डॉटेड के फॉर्म में जो आपको बार दिखाई दे रहा है वो आपका एक्स्ट्रा बार है। तो आपको अपोजिट लेंथ दिया हुआ है 1200 mm, यहाँ से आप स्लैब का कवर माइनस करेंगे 20 mm, स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे 150 और प्लस 1 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ बार निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1200 mm डिवाइडेड बाई 150 और प्लस 1, तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे 9। क्लियर? तो आपका एक बार का कटिंग लेंथ आया 3.95, तो आप टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं जो कि आपका 71.1 आएगा। एक बार का कटिंग लेंथ 3.95, टोटल नंबर ऑफ बार आपके 9 आ रहे हैं, इंटू हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आपका ये सेम है, आप ये देखेंगे ड्राइंग में तो आपको ये समझ में आएगा, ये देखेंगे आपको ये सेम दिया हुआ है। ये ग्रेड A2B पे जो एक्स्ट्रा बार है और ये आपका ग्रेड E2F पर जो एक्स्ट्रा बार है, दोनों सेम है, इसलिए हम ग्रेड A2B पर एक्स्ट्रा बार निकाल के ऐड कर देंगे और आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ग्रेड E2F पर ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखेंगे आप 3.95 मल्टीप्लाई बाई 9 नंबर ऑफ बार और मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर द ग्रेड E2F, तो आपकी जो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 71.1। तो इस तरह से आपके एक्स्ट्रा बार आप निकाल सकते हैं, ग्रेड ए पर, ग्रेड बी पर, ग्रेड सी पर आप एक्स्ट्रा बार निकाल सकते हैं। अभी हमने जो एक्स्ट्रा बार निकाले हुए हैं वो आपके ग्रेड ए पर निकाले हुए हैं, ग्रेड बी पर निकाले हैं एक्स्ट्रा बार, ग्रेड सी पर एक्स्ट्रा बार, ग्रेड डी पर एक्स्ट्रा बार, ग्रेड ई पर एक्स्ट्रा बार और ग्रेड एफ पर हमने एक्स्ट्रा बार अभी निकाल लिए हैं। क्लियर? और आप इसी सेम प्रोसेस से ग्रेड 3 पर एक्स्ट्रा बार निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रेड 3 पर जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, इस तरह से ये जो आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं वो आपको ग्रेड 3 पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको ग्रेड 2 पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं और ये आपको ग्रेड 1 पर एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं। तो आप इसी सेम प्रोसेस से ग्रेड 1, 2, 3 पर भी एक्स्ट्रा बार निकाल सकते हैं। क्लियर? तो टोटल वेट निकालने के लिए आप ऐड कर देंगे जो आपका टॉप से लेके बॉटम तक जो भी आपका लेंथ आया है, आप देखेंगे ये आपका टोटल लेंथ 340 से लेके 348, 269, 56, 315, 297 और 65, 128, 206, 103, 65 और 71 को जब आप ऐड करेंगे तो कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन कटिंग लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा बार सभी को ऐड करेंगे तो आपका टोटल लेंथ आएगा 1927.525 मीटर। तो ये आपका टोटल कटिंग लेंथ आया है। इससे आप वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको यूनिट वेट निकालना है तो D²/162 से निकाल सकते हैं, इससे वेट आपका केजी पर मीटर में आएगा। यदि आप टोटल वेट निकालना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है D²(Total Length) और डिवाइडेड बाई 162। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। D² आपको डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, 10 × 10 mm और आपका मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ, दैट इज 1927.525 मीटर, और आपको 162 से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल वेट निकल आएगा, जो टोटल आपका वेट निकल का आया है 1189 kg। आप इसको बोल सकते हैं 1.189 टन। तो इस तरह से आप स्लैब का BBS बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमने इसमें सबसे पहले मेन बार निकाले थे अपने लास्ट वीडियो में और डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाले थे। इस वीडियो में हमने इस स्लैब के जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से एक स्लैब का BBS बनाया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग अवर RQST टीम। इफ यू वॉन्ट मोर कंटेंट लाइक दिस फ्रॉम द प्रैक्टिकल ड्राइंग्स ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑलवेज लर्निंग।